तो सैमसंग ने अनाउंस कर दिए अपने दो नए स्मार्टफोन गैलेक्सी A60 और A40s। गैलेक्सी ए सीरीज के अंदर सैमसंग इतने सारे स्मार्टफोन निकाल रहा है इस साल, तो उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि शाओमी को हर कंट्री में हर मार्केट ने पूरी तरीके से पिछाड़ने की तैयारी कर रखी है सैमसंग ने। और इसी के चलते सैमसंग ने एक और दो स्मार्टफोन निकाल दिया। अभी गैलेक्सी A70 लॉन्च हुआ था, रोटेटिंग कैमरे वाला, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, और लीजिए भैया आ गए गैलेक्सी A60 और A40s। स्वागत है आप सभी का टेक MTK में, और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग के दो न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन के बारे में। पहले बात करते हैं गैलेक्सी A60 की, जो कि चाइना में लॉन्च करा गया है, जिसकी कीमत की अगर बात करी जाए तो 199 चाइनीज़ युआन रखी गई है, तकरीबन 20,700 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में इसकी कीमत पड़ती है। और यहाँ पर जो इसके वेरियंट दिए गए हैं, पहले उनकी बात करी जाए तो 6GB 128GB का एक वेरियंट यहाँ पर सैमसंग लॉन्च कर चुका है इस स्मार्टफोन का, जिसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 675, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सैमसंग दे रहा है 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले दी गई है यहाँ पर, यानी कि आपको टॉप साइड में पंच होल दिया गया होगा, बिल्कुल सैमसंग के गैलेक्सी S10e की तरह से यहाँ पर दिया गया। 19.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, मतलब कि थोड़ा बहुत बेजल है, लेकिन गैलेक्सी A70 की तरह फुल बेजललेस नहीं है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा दिखने को मिल जाएगा। वहीं एक वेरियंट और भी है इसका, जो 64GB ऑप्शन के साथ इंटरनल स्टोरेज में होगा, और रैम की अगर बात करी जाए तो 6GB का ही ऑप्शन दोनों में आपको मिलने वाला है। कैमरा सेटअप यहाँ पर तीन दिए गए हैं, बैक साइड में 32 मेगापिक्सल का, उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी, और वाइड एंगल लेंस दिया गया 5 मेगापिक्सल का। पंच होल में जो कैमरा लगा हुआ है फ्रंट पे, वहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, जो कि आप सेल्फी खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 4500 mAh की बैटरी, सारी चीज़ें ऑब्वियसली नॉर्मली जो अब सैमसंग अपने स्मार्टफोन में दे रहा है वो सब कुछ यहाँ पर इसने गैलेक्सी A60 में भी दे रखी है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि इसमें NFC का सपोर्ट दिया गया है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इंडिया में अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है तो सैमसंग पे मिनी की जगह पे सैमसंग पे इसमें दिया जा सकता है, और मेरे जैसे यूज़र जो बहुत ज़्यादा सैमसंग पे को यूज़ करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। अभी फ़िलहाल मैं सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge और साथ ही साथ गैलेक्सी A50 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है और इसमें सैमसंग पे होगा तो ऑब्वियसली मैं A50 को छोड़ के A60 की तरफ भाग जाऊंगा। सैमसंग की दो स्मार्टफोन गैलेक्सी A60, गैलेक्सी A40 और उसके अलावा गैलेक्सी A50, गैलेक्सी A30, गैलेक्सी A70, सब के सब सारे इतने सारे स्मार्टफोन सैमसंग ने निकाले कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया, तो इतना ज़्यादा आपको भी कन्फ्यूज नहीं होना है। दो स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुए जो कि इंडिया में आपको बहुत जल्दी हफ्ते भर के अंदर या 15 से 20 दिनों में दिख जाएंगे। तो अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और आपका एक लाइक इस चैनल को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है।